हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी मास्टरमाइंड। मैं हूं आपका दोस्त बलराम मीणा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम लीप ईयर के बारे में पता कर सकते हैं। लीप ईयर यानी कि जो 4 साल में एक बार आता है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने विजुअल बेसिक 6.0 के अंदर मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी बना रखा है ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसे क्या किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लेबल ले रखी है, ये सबसे इसको तो सभी जानते ही होंगे, ये फॉर्म है। इसका टेक्स्ट कलर मैंने बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज कर रखा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक लेबल ली हुई है, उसका भी बैकग्राउंड कलर वही कर रखा है जो फॉर्म का है। इस हिसाब से वो एक तरह से हाइड हो चुकी है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख रखा है, एंटर एनी नंबर, और ऐसे ही एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है और इसको ब्लैंक कर रखा है, मतलब कि इसके अंदर का जो कैप्शन है, टेक्स्ट है, वो मिटा रखा है। ठीक है, उसके बाद में ये एक मैंने कमांड बटन लिया है जो कि ये होता है, यहाँ से आप ड्रैग करके कमांड बटन ले सकते हैं। उसका कैप्शन मैंने ओके कर रखा है और उसका भी कलर चेंज कर रखा है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक और लेबल ले रखी है जिसको मैंने यहाँ पर वही कलर कर रखा है जो कि फॉर्म का है, इसलिए वो लेबल जो है हमें यहाँ पर शो नहीं हो रही है। और उसका जो कैप्शन है वो मैंने पूरा क्लियर कर रखा है, मतलब कि यहाँ पर जो कैप्शन है उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस टाइप से हमने जो फॉर्म है उसकी डिज़ाइन कर रखी है। अब उसके बाद में अपन चलते हैं अपने कोडिंग की तरफ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उनको देख लीजिए, उससे क्या है कि आपको जो ये नए वीडियोस है वो समझने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपना कोडिंग है उसमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जल्दी से, कि यहाँ पर मैंने डिम लगा करके अपन कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिम, फिर ईयर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है और वो है इंटीजर टाइप का। ठीक है, हमने यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल में वो वैल्यू इंसर्ट करवाई है जो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो कोई यूजर उसमें डालेगा वो वैल्यू किसके अंदर आ जाए, ईयर के अंदर। ऐसे करके हमने ये सेकंड कोडिंग करी है। उसके बाद में फ्रेंड्स, हमने यूज कर रखा है इफ स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहां पर हमने लिखा है इफ ईयर मोड फॉर देन, यानी कि अगर ईयर के अंदर, यानी कि इस ईयर के अंदर, यानी कि जो यूज़र टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू डालेगा वो ईयर के अंदर आ जाएगी, और इस ईयर में जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर हमें यहाँ पर शो हो देन। हमने जो लेवल 2 ले रखी है, ये हिडन वाली लेवल, इसके अंदर ये कैप्शन शो हो जाए जहाँ पर हमने लिखा हुआ है इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, यानी कि अगर इसके 4 से डिवाइड नहीं होगा, वो वैल्यू 4 से डिवाइड नहीं होती है, तो लेवल 2 का जो कैप्शन है उसमें ये लिखा आएगा कि इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड हो गया तो फिर यहाँ पे लिखा आएगा इट इज़ अ लीप ईयर, यानी कि ये एक लीप ईयर है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इस इफ का जो है वो एंड कर दिया। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए लीप ईयर वाला प्रोग्राम यहाँ पर बनाया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। देखिए, प्ले किया हमने, प्ले करने के बाद में हम जानते हैं कि 2012 में 4 का जो डिवाइड है वो कम्प्लीटली जाता है, 4 कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिए 2012, ओके, तो इट इज़ अ लीप ईयर, यानी कि एक लीप ईयर है। अब हम जानते हैं कि 13 में नहीं जाएगा 4 का, तो ये देखिए, ओके, तो यहाँ पर लिखा गया इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, यानी कि ये एक लीप ईयर नहीं है। तो इस टाइप से हम जो है लीप ईयर का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में जो बेल का आइकन बना हुआ है आपको उस पर भी क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने से जो मेरे न्यू वीडियोज़ है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्द मिल जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।